प्राधिकरण की करीब 400 करोड़ की लागत से बनने वाली अहिल्या पथ बाईपास को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। दरअसल इंदौर शहर के नए बाईपास की इस योजना में करीब 2500 परिवार प्रभावित हो रहे हैं और इन प्रभावित होने वाले लोगों ने क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट के सामने जमीन पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री सिलावट ने कहा कि आम जनता का कोई नुकसान नहीं होगा और इस योजना की प्लानिंग को लेकर सरकार से बात की जाएगी। इस 15 किलोमीटर के नए अहिल्या पथ बाईपास की जद में करीब 27 गांवों के 2500 परिवार आ रहे हैं, जिससे उनको सीधा प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे में मंत्री सिलावट ने आश्वासन दिया है कि आपके जीवन पर, आपके समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसे में किसी को नुकसान न होने देने का आश्वासन मंत्री सिलावट ने यहां प्रदर्शन कर रहे लोगों को दिया। विकास और प्रगति के इनका बिना नुकसान के, बिना इनके विश्वास में लिए हजारों की संख्या में लगभग 2500 परिवार, लगभग 2 से 2500 परिवार रहते हैं और वो समाज का वो वर्ग, समाज का वो तबका जो झाड़ू भी लगाता है, पोता भी लगाता है, सब्जी भी बेचता है, ठेले भी चलाता है, तुलसी सिलावट जैसे वो काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वहाँ का सेवक ये तुलसी सिलावट कार्यकर्ता है, इन्होंने आज मुझे विधायक भी बनाया है, मंत्री बनाया, मेरा दावित्व बनता है, विकास भी हो और एक गरीब का नुकसान भी नहीं होगा। मांग यही है कि जो अहिल्या पथ का जो भ्रम वहाँ पर फैलाया जा रहा है कुछ भूमाफियाओं द्वारा, कुछ ऐसे जो ज़मीनों के दलाल हैं, उस भ्रम को दूर करने के लिए पूरा गांव आज माननीय मंत्री से मिलने आया था और माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त भी किया कि जो लेआउट प्लान में अगर कोई गलती भी होगी तो 2008 का, माननीय IDCO साहब ने बताया है कि वो 2008 का है, तो उसमें जो त्रुटियाँ होंगी वो जनता के साथ बैठ के, वहाँ का जनप्रतिनिधि होगा उनके साथ बैठ के, माननीय विधायक जी खुद बैठेंगे उसमें, IDA के जितने अधिकारी हैं, कलेक्टर महोदय हैं, जो भी संबंधित अधिकारी रहेंगे उनके साथ बैठ के और जनता के साथ बैठ के माननीय मंत्री जी उस चीज़ को हल करेंगे। और बढ़ते आगे, बिलासपुर में टीकाकरण के बाद 2 बच्चों की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दफनाने के बाद बच्चों के पोस्टमार्टम कराने की याद स्वास्थ्य अमले को आई। प्रशासन अमला कोटा के पटेता कोरी पारा पहुंचा, लेकिन ग्रामीणों ने मासूम के शव नहीं निकालने दिए। बता दें कि शनिवार को 7 बच्चों का टीकाकरण किया गया था। टीका लगाने के बाद 2 मासूम ने दम तोड़ दिया, तो वहीं 5 बच्चों को CHC में ऑब्जर्वेशन में रखा गया। झेरा